Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about some of the important questions of the subject of costing of semester 5 examination for the TY BCom students. तो आज हम TY BCom के students के लिए costing के कुछ important questions को यहाँ discuss करने वाले हैं. इसके पहले मैंने financial accounting के semester 5 के important questions आपको दे दिए हैं. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे है तो वो video देखे, link में description में दे रहा हूँ. और अगर आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा. सो कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 का थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो फार्मूला बेस है एंड वहाँ पे हमारे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है. तो इसलिए थियरी और ऑब्जेक्टिव्स में आप अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और अगर प्रैक्टिकल को भी उतने ही बेसिस पे फोकस करके सॉल्व करोगे तो आपको कॉस्टिंग में भी ओवरऑल अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे. तो ये जो आज के थियरी क्वेश्चंस है, इतने भी थियरी क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आप शॉर्ट नोट्स को इजीली तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो. बिकॉज हमें ये याद रखना है कि हमें पेपर में शॉर्ट नोट्स को ही अटेम्प्ट करना है. सिंस दो क्वेश्चन जो 10-10 मार्क्स के आएंगे वो थोड़े से हर बार चेंजेस उसमें लाए जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट इफ़ यू हैव शॉर्ट नोट्स एज द पॉइंट, शॉर्ट नोट्स में हमारे पास ऑप्शंस भी होता है और शॉर्ट नोट्स हम इजी तरीके से लिख पाएंगे बिकॉज शॉर्ट नोट्स थोड़े इजी आते हैं. तो इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स ही अटेम्प्ट करने हैं. एंड ये जो थियरी क्वेश्चन सब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका बेनिफिट आपको 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपको उससे रिलेटेड भी आपको हो सकता है, और उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए दिस थियरी क्वेश्चंस विल हेल्प यू. तो थियरी क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके एग्जाम तक आपके काफी अच्छी तरीके से रिविजन और थियरी क्वेश्चन हो जाएंगे. The theory questions are, I have given all the short notes over here. इसको long answer में भी convert करके examiner पूछ सकता है. The first question is objectives of cost accounting. ये काफी important question है, बहुत सारे paper में ये question पूछा गया है because हमारा. तो आपको पढ़ने हैं objectives of cost accounting. Next है आपको पढ़ने हैं direct and indirect cost. ये cost sheet के chapter में ऐसे आया है. Direct cost मतलब direct material, direct wages, direct expenses. उसके बारे में आपको थोड़ा brief description देना है यहाँ पे. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, वो सब कॉस्ट इसमें आएंगे. फिर नंबर थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. तो आपको कॉस्ट को क्लासिफाई करना है. कॉस्ट के बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन है, आपको बुक्स में मिल जाएगा क्लासिफिकेशन एज पर द फंक्शंस, फीचर्स, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है. नेक्स्ट इज लेबर कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आया है, लेबर टर्नओवर एंड इट्स कॉस्ट. तो लेबर टर्नओवर का पॉइंट आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है एज वेल एज इस उसके क्या क्या कॉस्ट होंगे. मतलब लेबर जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे जगह पे क्यों जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस है, ये भी आपको इजी तरीके से बुक में मिल जाएगा. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मटीरियल कंट्रोल. तो व्हाट आर दी बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द रोल ऑफ द मटीरियल कंट्रोल आपको इसमें लिखना है. फिर नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 6 है, गैंट टास्क बोनस प्लान. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप ना करें बिकॉज ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा. आप यूनिवर्सिटी के 3 से 4 सालों को पेपर निकाल के देखोगे तो आपको गैंट टास्क बोनस प्लान ये मिलेगा ही मिलेगा. ये क्वेश्चन आपको लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में मिल जाएगा जहाँ पे गैंट टास्क बोनस प्लान, जहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स प्लान है, हेल्से प्लान, रोवेल प्लान, डिफरेंशियल पीज रेट सिस्टम, टेस्टम, तो ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स या बोनस प्लान कंपनी अपने बेस पे अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को देता है. उसमें से ये गैंट टास्क बोनस प्लान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके रूल्स आप याद रखिए ताकि आप एग्जाम में इसको इजी तरीके से लिख पाएंगे. मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन मैंने दिया है, उसमें से आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जैसे कि फीफो मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड है, बट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपको पढ़ के रखना है. फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसका जो फॉर्मूला है रूट ऑफ 2 × A × O डिवाइड बाय C, उसमें दो टाइप के मेथड्स है, वन इज फॉर्मूला मेथड एंड अनदर इज टैबुलर मेथड. आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा थियरी पढ़ के रखें बिकॉज इसमें से कुछ भी पेपर में आ सकता है. नेक्स्ट इज प्राइम एंड वर्क्स कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वर्क्स कॉस्ट का क्या होता है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो भी आप एग्जाम में इजी तरीके से लिख पाएंगे, लेकिन वहां पे फिर आपको पॉइंट्स याद नहीं आएंगे कि अभी हम इसमें क्या लिखे. तो इसीलिए आप प्राइम कॉस्ट का थोड़ा एक इंट्रो प्रिपेयर करके रखें. वर्क्स कॉस्ट क्या होता है,
फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज द फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करने के बाद, वो सारी पॉइंट्स के बारे में एक ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया अभी ही बना के रखे, सो दैट आपको लास्ट मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो. नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ रिकंसिलेशन. तो रिकंसिलेशन करके चैप्टर है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. तो उसका रिकंसिलेशन का क्या पर्पस है, क्यों रिकंसिलेशन किया जाता है, तो वो आप पढ़े. फिर एक हेल्सियन रोवेन प्लान जो मैंने अभी आपको बताया है, हेल्सियन रोवेन प्लान भी इसमें से दोनों में से एक में भी पूछा जा सकता है या दोनों पे पूछा जा सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन. तो हेल्से का फॉर्मूला, हेल्से का रोवेन प्लान, एग्जामिनर फॉर्मूला डायरेक्टली थियोरी में नहीं चाहता है. आप फॉर्मूला तो लिख सकते हो लेकिन उसको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें. नॉर्मली क्या होता है, अगर कॉशीट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा तो स्टूडेंट्स पूरा कॉशीट का फॉर्मेट लिख देते हैं, तो इट्स टोटली रॉन्ग. आप वैसे ना करें, आप फॉर्मेट को थोड़ा ब्रीफली लिखे, मतलब थियोरी पार्ट में लिखे, आप फॉर्मेट के पॉइंट्स को लिखे, नो डाउट अबाउट इट, बट आप फॉर्मेट का फॉर्मेट पूरा कॉपी ना करें. तो ये था हमारा हेल्से एंड रोवेन प्लान का शॉर्ट नोट. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट. तो कॉस्ट शीट के क्या क्या यूजेस है वो भी आपको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. काफी इजी चैप्टर, इसमें से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर द पॉइंट्स गिवन. फिर नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर भी आपको ध्यान में रखना है. और नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक लेवल्स, ये मटेरियल कॉस्टिंग का पॉइंट है, जैसे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, फिर एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ऐसे बहुत सारे लेवल है, रीऑर्डर लेवल. सो अकॉर्डिंगली ये स्टॉक लेवल्स आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखें, उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज आर दी शॉर्ट नोट्स आई हैव गिवन यू, टोटल 15 शॉर्ट नोट्स. आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, हमें तो शॉर्ट नोट्स पेपर में सिर्फ चार सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स के लिए एक आएगा तो 5 × 4 = 20 मार्क्स हो जाएंगे. इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स आपको पेपर में देखने मिलेंगे, बट आप इसमें से कोई भी शॉर्ट नोट को ऑप्शन में ना रखें, इससे आपके बेसिक चीजें तो क्लियर होगी होगी, उसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको इसका एडवांटेज मिल पाएगा. दैट्स इट. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मैंने डाला हुआ है क्वेश्चंस का सेट, वो आप चेक करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऐसे वीडियोस से रिलेटेड जो आपके बेसिक्स है उससे रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे. टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर.